आज हम लिप बाम बनेंगे। लिप बाम बनाने के लिए हमें बीट रूट चाहिए, इसे चुकंदर भी कहते हैं। हम दो बीट रूट ले लेंगे। बीट रूट को हम छिल लेंगे, इसका सारा छिलका उतार लेंगे। बीट रूट को हमने छिल लिया है, अब इसको ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे। ये हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, अच्छे से ग्रेटर कर लेंगे इसको। ये अच्छे से हमने ग्रेट कर लिया है इसको, देखो बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। हम इसको अब ग्राइंड में डाल के अच्छे से इसका जूस निकाल लेंगे। हम सारे बीट रूट को इसमें डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जैसे कि हमारा जूस अच्छे से निकल जाए। बीट रूट को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब इसका सारा जूस निकालेंगे। हमें अच्छे से इसको निकाल लेना है इसी तरीके से। बीटरूट का हमने सारा जूस निकाल लिया है, मगर इसमें अभी भी गाढ़ापन है। हम इसको दोबारा से फिर से छानेंगे। हम दोबारा से इसको अच्छे से छान लेंगे। तो इतना सारा अभी निकला इसमें से, इसलिए हमने दोबारा छाना इसको। ये हमारा बिल्कुल पतला हो चुका है, बिल्कुल लिक्विड हो चुका है। इसको हम लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे, इसको चूल्हे पे। हमें सारा जूस इसमें डाल देना है। ये हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। ऐसे हिलाते रहना चाहिए, नहीं तो लग जाएगा। इसको हम अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जो हमने जूस निकाला था वो एक चम्मच है हमारा, अगर एक चम्मच हो गया। एक चम्मच हम इसमें वैसलीन लेंगे। एक चम्मच हमने वैसलीन ले लिए, ये कोकोनट वर्जिन ऑयल लेंगे हम 2.5 ml लेंगे। ये हमने 2.5 ml कोकोनट ऑयल लिया है। अब हम इसको डबल बॉयलर करेंगे। तो हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब इसमें हम डबल बॉयलर कर लेंगे। फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट्स के लिए। देखो ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका, देखिए बहुत। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अच्छे से हमने इसीलिए डबल बॉयलर करा था, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि हम ये 3-4 महीने तक इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। हम इसको अब अच्छे से साफ कंटेनर में ऐसे भर के रख देंगे। अपने आपको लगा के बताऊंगी अपने हाथ पे ऐसे भर कर। ये हमारा लिप बाम बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको अपने हाथ पे लगा कर बताऊंगी।